हे गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टॉप 10 हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आना है सबसे पहले सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ से आपको कन्वर्सेशन टूल्स पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको जाना है नेविगेशन बटन पर। तो नेविगेशन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके तीन बटन आते हैं अभी। तो इन बटन को आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर गेस्ट सेटिंग पर इनेबल कर देंगे और यहाँ पर कैंसिल कर देना है। तो क्या होता है, इधर से स्वाइप करेंगे तो आप बैक जाते हैं, इधर से स्वाइप करेंगे तो बैक आएंगे, और यहाँ से स्वाइप कर देंगे तो आपका ये एकदम से होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। और आप रिसेंट टास्क में पहुँचना चाहते हैं तो यहाँ पर स्वाइप करके मिडिल तक लाना है और आप रिसेंट टास्क में पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने फ़ोन में ये सेटिंग कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से आपको बैक जाना है, और यहाँ पर आपको जाना है दोबारा से सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको कन्वर्सेशन टूल्स पे जाना है, फिर यहाँ पर गेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है, फिर यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप स्वाइप डाउन विथ थ्री फिंगर टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो आप ऊपर से नीचे की ओर स्वाइप करेंगे तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है, और आप इसे इनेबल कर देंगे तो थ्री फिंगर को आप होल्ड करके रखते हैं तभी आप स्क्रीनशॉट इस फोन में इस तरीके से ले पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है, यहाँ पर आपको जाता है ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर आप इसे इनेबल कर देंगे तो क्या होता है, आपके फ़ोन में जैसे कोई कॉल चल रही है और आप कान के पास फ़ोन को रखे हुए हैं तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली हैंड फ्री से हट जाता है, और कान के पास से जैसे ही आप फ़ोन को हटा लेते हैं तो मुंह के सामने अपने फ़ोन को कर लेते हैं तो आपका फ़ोन जो है हैंड फ्री हो जाता है। बाकी यहाँ से फ्लिप टू म्यूट इन कमिंग कॉल्स, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो क्या होता है, आपके पास कोई कॉल आ रही है और आप एकदम से फ़ोन को उल्टा कर देंगे तो आपकी कॉल, इनकमिंग कॉल जो है वो रिंगटोन बंद हो जाती है। और यहाँ पर आपको लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल, अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो क्या होता है, कान के पास जैसे ही आप फ़ोन को ले जाते हैं तो आपका एकदम से फ़ोन रिसीव हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाती है। बाकी यहाँ से आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है, और यहाँ से आपको मिल जाता है स्मार्ट साइड बार। तो स्मार्ट साइड बार क्या होता है, ये होता है स्मार्ट साइड बार। इस स्मार्ट साइड में बार में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाती है, स्क्रीन शॉट मिल जाता है, फाइल्स, कैलकुलेटर, और आप यहां से प्लस के आइकन पर जाने के बाद यहां पर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने रिकॉर्डर को ऐड कर दिया है, और यहां से इसमें से कुछ हटा भी सकते हैं आप, जैसे कोई हटाना चाहते हैं तो इसे हटा भी सकते हैं इस तरीके से। सो ये है कुछ, और अगर आप इसमें कुछ एप्लीकेशन जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐप्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ से कोई एप्लीकेशन भी आप इसमें प्लस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सेटिंग में थोड़ा सा और नीचे जाना है आपको, और सेटिंग को ओपन करने के बाद फिर यहाँ से आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर। एडिशनल सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है शेड्यूल पावर ऑन ऑफ, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप जैसे रात के समय 10:30 बजे फ़ोन को बंद कर देते हैं और सुबह 6 बजे से फ़ोन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे मैं रात के 10 बजे के बाद फ़ोन को यूज नहीं करता तो 10 बजे ओके, और यहाँ पर सुबह मैं 6 बजे फ़ोन को यूज करना शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पर 6 बजे मेरा फ़ोन, मतलब कि रात में फ़ोन मेरा ऑटोमेटिकली 10 बजे बंद हो जाएगा और सुबह 6 बजे मेरा फ़ोन ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से आपको जाना है बैक, और बैक जाने के बाद यहाँ से आपको जाना है डिजिटल एंड बेलविंग पैरेंटल कंट्रोल्स पर। तो क्या होता है, इसमें आपको शो कराता है कि आपने किस एप्लीकेशन को कितने समय यूज किया। तो सबसे ज़्यादा समय मैंने सेटिंग को यूज किया, तो 42 मिनट मैंने फ़ोन को यूज किया है, और यहाँ पर 24 बार फ़ोन को अनलॉक किया है मैंने, कुछ समय फ़ोन को यूज किया है, फ़ोन सेटिंग को और अदर्स को भी कुछ समय यूज किया, वो सारा यहाँ पर आपको शो होता है, कितनी नोटिफिकेशन आई वो आपको यहाँ पर शो होती है। बाकी यहाँ से आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है, यहाँ पर यूजर्स एंड अकाउंट्स मिल जाते हैं, इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर मल्टीपल यूजर मिल जाता है। यहाँ से क्या होता है, अगर आप यहाँ से प्लस के आइकन पर जाएंगे तो ऐड कोई अदर एक आईडी बना सकते हैं जिसमें अलग अलग फ़ोन खुलते हैं, जैसे जो अपना पैटर्न डालेगा उसी का फ़ोन अपना अलग ओपन होता है। तो इस तरीके से आप इसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन में छोटी सी स्क्रीन में एक छोटी सी स्क्रीन फ़ोन चाहते हैं तो 100 मोड तो कैसे इनेबल कर पाएंगे, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार में जाना है, एक बार और स्वाइप करना है, फिर यहाँ से पेंसिल के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 100 को स्वाइप करके ऊपर की ओर ले आना है, और इस पर आपको जैसे अब बैक चले जाना है, एक बार बैक जाने के बाद यहाँ पर आपको 100 मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है 1 हैंड मोड इनेबल हो चुका है। आप इसे लेफ्ट या राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे से स्क्रीन में एक हाथ से फ़ोन को इजीली यूज कर पाएंगे।
अब आपको ये फुल स्क्रीन में करना है, तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका फुल स्क्रीन में आ जाता है। गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।